बरसात के मौसम में चाय कॉफी के साथ ब्रेड की स्नैक्स मिल जाए तो बहुत ही मजा आ जाता है। तो आज मेरे किचन में ब्रेड की स्नैक्स की रेसिपी बनने जा रही है। ये बहुत ही चटपटी बनती है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका अपने चैनल नीतूज होम वर्ल्ड में। तो आइए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। तो ब्रेड की स्नैक्स को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 6 ब्रेड स्लाइसेस को लिया है। ये सबसे छोटा वाला जो ब्रेड आता है ना, मैंने उसी को लिया है। अब यहाँ पे 4 उबले हुए आलू हैं, इनको अच्छे से सबसे पहले हम इसके छिलके को निकाल लेंगे और इस तरीके से ग्रेटर की हेल्प से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो आप चाहें तो हाथों की हेल्प से इसको मैश भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से कद्दूकस कर भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कद्दूकस इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई भी इसकी गुठलियाँ ना रहे और अच्छे से ये जो आलू हैं वो मैश्ड हो जाएं। तो अब ये देखिए, लास्ट आलू को भी हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो आलू है वो कद्दूकस होकर रेडी है। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून तेल डाला है मैंने, तेल ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी आलू जो हमने कद्दूकस करके रखा था। अब इस आलू को डालकर हमें 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेना है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, अगर ज़्यादा भूनेंगे तो आलू जो है वो लाल पड़ जाएगी। सीजनिंग करेंगे तो चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और यहाँ पर मैं नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार। आगे भी और भी चीज़ों में नमक को डालेंगे। तो 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया को डाला है और हरा धनिया को ज़रूर से डालें, बहुत ही अच्छा फ्रेशी सा फ्लेवर आता है। अच्छे से डालकर मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें सफ़ेद तिल डाल रही हूँ 1 से 2 छोटी चम्मच और तिल को भी डालकर अब हमें इसे बहुत ही अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए अच्छे से भून चुका है, इसको ठंडा हो जाने देते हैं। अब एक छोटा सा बाउल लेंगे, उसमें 4 टेबलस्पून डालेंगे मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लार और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का पाउडर भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे और 1 से 2 पिंच नमक डाल देंगे या फिर 1/4 चम्मच। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको पहले ड्राई में इसलिए मिक्स करना है ताकि बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब हमें इसका स्लरी को तैयार करना है, उसके लिए धीरे धीरे कर पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर जो घोल है उसको ना ही पतला रखेंगे और ना ही मोटा रखेंगे, मीडियम कंसिस्टेंसी इसकी रहेगी। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, बहुत ही अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए स्पून पे डाला है मैंने, ये आप देख रहे हैं ना, एक कोटिंग चढ़ गई, बिल्कुल ऐसा ही रखना है। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है कोटिंग के लिए, इसको भी रखते हैं। आलू हमारी ठंडी हो चुकी है, अब ब्रेड स्लाइस को लेंगे और उस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे आलू के फिलिंग को। यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे मैंने ब्रेड के एजेस को कट नहीं किया है, तो आप भी बिल्कुल वैसे ही छोड़ दें और चारों तरफ अच्छे से आलू की फिलिंग को स्प्रेड कर देंगे। और अब ये देखिए यहाँ पर ये आलू की फिलिंग रेडी है, मैंने पीछे कोट नहीं किया है, तो एक साइड ही कोट करेंगे। इसको एक प्लेट पे मैंने रख दिया, इसी तरीके से बाकी के सारे भी ब्रेड स्लाइस के ऊपर में हम आलू की फिलिंग को भरकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे फिलिंग्स को देखिए भर लिया है ब्रेड के ऊपर। अब ये स्लरी को लेंगे और इसमें हम इस आलू के फिलिंग को डिप कर देंगे, चारों तरफ अच्छे से डिप हो जानी चाहिए, एक कोटिंग चढ़ जानी चाहिए। ये देखिए कोटिंग चढ़ चुकी है, अब इसे ब्रेड क्रम्स वाले प्लेट में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स को अच्छे से ब्रेड के चारों तरफ इवनली कोट कर देंगे। तो चारों तरफ अच्छे से कोट हो जानी चाहिए ब्रेड क्रम्स। अब इसको एक प्लेट पे रख देते हैं और यहाँ पर एक पैन में तेल डालेंगे गर्म होने के लिए लो फ्लेम पर। और यहाँ पर ये देखिए ब्रेड जो है हमारी सारी रेडी है कोट होकर। तो धीरे धीरे कर अब हम इस ऑयल में ट्रांसफ़र करते जाएंगे ताकि हमारे जो ब्रेड के स्नैक्स हैं वो फ्राई हो सके। अब इसे हमें धीरे धीरे कर गोल्डन और क्रिस्प होने तक को फ्राई कर लेना है। तो इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो इस ब्रेड के स्नैक्स को उलट पलट करते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे ब्रेड के स्नैक्स है बनकर रेडी है। अब इसको एक किचन टाल पे निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी ब्रेड के स्नैक्स को रेडी कर लिया है मैंने। तो इसको आप चटनी, सॉसेज, चाय, कॉफ़ी किसी के साथ भी सर्व करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।